दोस्तों, हर बार की तरह आईपीएल 2024 भी पंजाब किंग्स के लिए निराशाजनक रहा। जीत के साथ शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब 14 मैच में से सिर्फ 5 मैच जीतने में ही कामयाब हो पाई, जबकि 9 मैच में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब का ट्रॉफी जीतने का इंतजार सीजन दर सीजन बढ़ता ही जा रहा है। अब आईपीएल 2025 में पंजाब ट्रॉफी जीतने के मकसद से उतरेगी। उससे पहले पंजाब के पास मौका होगा एक नई टीम तैयार करने का, क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होगा और नियमों के मुताबिक पंजाब केवल 4 खिलाड़ी ही रिटेन कर पाएगी। ऐसे में पंजाब कौन से 4 खिलाड़ी रिटेन करेगी, ये जानने के लिए फैंस बेताब हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से 4 खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम में रिटेन करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं पंजाब किंग्स के बड़े फैन, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पंजाब किंग्स के रिटेन प्लेयर्स। तो इस लिस्ट में पहले खिलाड़ी हैं सैम करन। पंजाब के कप्तान शिखर धवन केवल 5 मैच खेलने के बाद इंजर्ड होकर आईपीएल 2024 से बाहर हो गए थे, जिसके बाद इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन को फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नया कप्तान बनाया। हालांकि करन के कप्तान रहते पंजाब 9 मैचों में से केवल 3 जीत दर्ज कर पाई, लेकिन उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो शानदार रहा है। करण ने आईपीएल 2024 में 13 मैचों में 270 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए। सीजन के पहले मैच में ही करण ने 50 ठोक दी थी। पंजाब अगले सीजन में उन्हें अपना परमानेंट कप्तान भी घोषित कर सकती है, इसलिए वह इंग्लिश ऑलराउंडर को रिटेन करने का डिसीजन ले सकती है। फिलहाल वे एक सीजन के 18.5 करोड़ रुपये लेते हैं, लेकिन रिटेन करने के बाद उनकी फीस भी कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी जिन्हें पंजाब रिटेन करेगी वो हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने 2019 में पंजाब किंग्स के स्क्वाड को ज्वाइन किया था और तब से अब तक पंजाब के लिए खेलते आए हैं। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब ने सिर्फ 2 खिलाड़ी रिटेन किए थे, उनमें से एक अर्शदीप ही थे। इस बार भी वे टीम की पहली पसंद है, क्योंकि अर्शदीप अब पीवीकेएस फ्रेंचाइजी के मैन और स्टार गेंदबाज बन चुके हैं। इस सीजन उन्होंने 14 मैचों में 19 विकेट लिए और टीम की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो नई गेंद से घातक स्विंग करवाता हो और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर कर सकता हो। पंजाब भला ऐसे विकेट टेकिंग गेंदबाज को क्यों ही रिलीज करना चाहेगी। अगर अर्शदीप ऑक्शन में गए तो कोई भी फ्रेंचाइजी इस गेंदबाज को मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लेगी, इसलिए पंजाब ही उन्हें रिटेन करने वाली है। वहीं तीसरे खिलाड़ी की बात करें जिन्हें पंजाब रिटेन करेगी वो हैं जितेश शर्मा। जितेश शर्मा 2022 से पंजाब के लिए खेल रहे हैं और टीम के मेन विकेट कीपर बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी वजह से जॉनी बेरस्टो एक रेगुलर फील्डर की तरह मैदान में उतरते आए हैं। 2022 और 2023 की आईपीएल में जितेश ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खासा इम्प्रेस किया था। सेलेक्टर्स भी उनसे इम्प्रेस हुए और उन्हें इंडियन टीम में भी मौका दिया गया था। हालांकि जितेश पिछले सीजन के परफॉर्मेंस को आईपीएल 2024 में दोहराने में नाकाम रहे, लेकिन वो युवा हैं और सही मेंटरशिप उन्हें पंजाब का स्टार बल्लेबाज बना सकती है। जितेश 2024 में पीवीकेएस के 22 कैप्टन रहे, जो संकेत है कि फ्रेंचाइजी लंबे समय के लिए उनमें अपना समय इन्वेस्ट करना चाहती है, इसलिए जितेश भी रिटेन होंगे। उसके बाद चौथे खिलाड़ी की बात करें जिन्हें पंजाब रिटेन करेगी वो हैं शशांक सिंह। शशांक सिंह की पंजाब की टीम में एंट्री दिलचस्प रही है। दरअसल 2023 के मिनी ऑक्शन में पंजाब ने किसी दूसरे शशांक सिंह को समझकर बोली लगाई थी। किसी ने सोचा होगा कि गलती से खरीदा गया खिलाड़ी ही आईपीएल 2024 में पंजाब के लिए शानदार परफॉर्मेंस करेगा। शशांक ने सबसे पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ 29 गेंद में 61 रन ठोककर खूब वाहवाही लूटी थी। उसके बाद शशांक का बल्ला ऐसा चला कि वो पंजाब के नए स्टार बल्लेबाज बनकर उभरे। खासकर जिस आसानी से शशांक सिंह ने छक्के चौके जड़े, ऐसा माना जा रहा है कि मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स शशांक को रिटेन कर सकती है। वो अगले सीजन में और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 4 कन्फर्म खिलाड़ी हैं जिन्हें पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम में रिटेन करने वाली है। आपके हिसाब से कौन से 4 खिलाड़ियों को पंजाब रिटेन करेगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। पंजाब किंग्स और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।